नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन का 44वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ दुबई के मैदान पर हुआ। इस मैच में बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। टीम ने इस मुकाबले में कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया। इस मुकाबले में बैंगलोर की टीम एक जबकि चेन्नई ने दो बदलाव किए। बैंगलोर की टीम के प्लेइंग 11 में सिर्फ एक बदलाव हुआ था। इसे रूडाना की जगह पर मोइन अली को मौका दिया गया था। चेन्नई ने जॉस हेजलवुड की जगह पर मिचेल सैंटनर और शार्दुल ठाकुर की जगह पर मोनू कुमार को मौका दिया। मोनू कुमार सिंह ने इस मुकाबले में चेन्नई के साथ साथ आईपीएल में भी डेब्यू किया। मोनू 2008 से ही चेन्नई की टीम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन पिछले 2 साल तो उन्हें टीम में मौका ही नहीं मिला। आखिरकार 2020 में मोनू को खेलने का मौका मिल ही गया। आपको बता दें, मोनू कुमार झारखंड के तेज गेंदबाज हैं। 2018 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से चेन्नई की टीम ने उन्हें 20 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा था। चेन्नई के लिए खरीदे जाने के बाद 44 मैचों तक 2 सीजन तक बेंच पर बैठे रहने के बाद मोनू को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेलने का मौका मिला। भारत के 2014 अंडर 19 विश्व कप टीम का हिस्सा रहे बॉलिंग ऑलराउंडर मोनू अब तक झारखंड के लिए 22 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 22 की औसत से 25 विकेट हासिल किए हैं और 6.9 की इकोनॉमी रेट रखी है। आखिरी सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में उन्होंने 9 मैचों में 10 विकेट लिए थे। 2018 में चेन्नई की टीम द्वारा लिए जाने के बाद उन्होंने बयान दिया था, मैं अपने इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत में सीएसके द्वारा किए जाने से बेहद उत्साहित हूं, इसलिए और अधिक क्योंकि टीम में माही भाई हैं और वो जानते हैं मुझे सर्वश्रेष्ठ कैसे देना है। वो मेरी गेंदबाजी को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2020 बेहद खराब गुजरा। टीम आईपीएल इतिहास में पहली बार प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि टीम पहली टीम थी जो प्लेऑफ से बाहर हुई। पिछले मुकाबले मुंबई के खिलाफ टीम को 10 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा था। टीम बाकी बचे मैचों में जीत के साथ सम्मान बचाना चाहेगी। आपको बता दें, चेन्नई के 3 मुकाबले बचे हैं और टीम तीनों ही मुकाबले जीतकर कुछ अच्छे पॉजिटिव्स के साथ सीजन 13 से विदाई लेना चाहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।